सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं मारुति सुजुकी डिजायर SCNG में। यस गाइस, रिसेंटली ही मारुति ने इसमें हमें कंपनी फिटेड CNG प्रोवाइड कराया है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हो रहा है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सीरियस इशू देखने को मिल जाता है जो कि रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एंड अगर आप इस कार को परचेज करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड हो सकता है आप इस कार को परचेज करने का अपना डिसीजन बदल लें। नाउ गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जो कि है इस कार की बिल्ड क्वालिटी। हम सभी को पता है मारुति सुजुकी डिजायर की बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। एंड इनफैक्ट मारुति सुजुकी ही काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ अपनी मैक्सिमम कार्स देते हैं। उनका हाईटेक प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार्स होती हैं, इसी वजह से उनका वेट काफ़ी कम हो जाता है, बट इसके चक्कर में हमें सेफ्टी ना के बराबर देखने को मिलती है। वही सेम केस है मारुति सुजुकी डिजायर में, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। वैसे तो ग्लोबल एनकैप ने ऑफिशियली इसे टेस्ट नहीं किया है, बट इन भाई साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं ही टेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि अभी आप लाइव देख सकते हैं, कुछ ऐसी बिल्ड क्वालिटी हमें डिजायर से देखने को मिलती है। तो जी हाँ, आपको इस कार में बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। छोटे से इंपैक्ट से भी कार ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले जाती है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। एंड कई सारे लोग अब ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई साहब ये तो किस्मत की बात होती है, अगर अपन अच्छे से चलाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। बट इट डजेंट मैटर, अगर आप सही से चला रहे हैं बट आप इंडिया में चला रहे हैं, सामने वाला अगर ढंग से नहीं चलाएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वाई नॉट यू प्रेफर अ सेफर कार जब आपके पास ऑप्शन है टैगोर CNG में, तो वो एक काफ़ी बढ़िया ओवरऑल पैकेज प्रोवाइड करा देती है, काफ़ी बढ़िया सेफ्टी के साथ भी आती है वो कार। बट नहीं, मैक्सिमम इंडियंस को माइलेज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और आई डोंट नो वो 1-2 लाख बचा कर भी अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा देते हैं। तो मेरा काम था बताना बिल्ड क्वालिटी आपको इस कार में बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। वही आप बात की जाए इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, वो है इसका CNG टैंक। यस गाइस, इसमें हमें 11 kg का ही CNG सिलेंडर देखने को मिलता है, वही मारुति की अदर कार्स में हमें 12 kg का CNG सिलेंडर देखने को मिल जाता है। तो इसमें CNG गैस भी थोड़ी सी कम आती है, तो आप इसे भी एक नेगेटिव पॉइंट काउंट कर सकते हैं। एंड अब अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा सीरियस इशू के बारे में जो कि इस कार में हमें देखने को मिल जाता है, वो है इसका CNG फिलिंग वॉल्व इशू। सो गाइस, जैसा कि भी आप देख सकते हैं मारुति ने हमें अलग से CNG फिलिंग वॉल्व प्रोवाइड कराया है फ्यूल फिलर कैप के बाजू में। ट्रू इंडीड, वहाँ पे जगह नहीं है, मानते हैं मारुति ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं था एंड उनके कोई प्लान्स भी नहीं होंगे आई गेस जब वो ये कार की प्रोडक्शन कर रहे होंगे कि हमें इसमें CNG प्रोवाइड कराना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देखने को मिलता। चलिए जी, ठीक है, आपने बाजू में दे दिया, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में चुपता है आँखों में, लेकिन बाद में वो सब सेटल हो जाता है। बट द मेजर इशू इज़ दैट कि जब भी आप इस CNG फ्यूल फिलर कैप को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर अंदर स्विच होता है, ऑटोमेटिकली कार आपकी टर्न ऑफ हो जाएगी। जब भी आप CNG भर रहे होंगे तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये देना होता है, काफ़ी बढ़िया बात है, बट इसे काफ़ी आराम से कोई भी निकाल सकता है, जैसा कि भी आप देख सकते हैं। एंड सपोज कीजिए कभी भी आप ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े हैं या रात में कहीं भी खड़े हैं, एंड अगर किसी को ये बात पता है एंड आपकी कार ऑन भी है, चला रहे हैं, एंड अगर आप थोड़ी देर रुके एंड अगर उसने ये स्विच खींच दिया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी कार फिर स्टार्ट होगी ही नहीं जब तक आप इस कैप को वापस इंसर्ट नहीं करेंगे। फिर चाहे आपकी कार आइडियल कंडीशन में खड़ी हो या फिर चलती कार में अगर भी आप इसको निकाल देते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा इशू होने वाला है। तो ये मारुति सुजुकी को समझना चाहिए, अंदर से कोई उन्हें मैकेनिज्म देना चाहिए ताकि लॉक वगैरह हो सके, क्योंकि अभी काफ़ी आराम से डायरेक्टली आप इस स्विच को निकाल सकते हैं एंड देन आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। हो सकता है कोई आपके साथ प्रैंक करे अगर किसी ये को ये बात पता हो, एंड हो सकता है कि कभी आप इसकी वजह से काफ़ी सीरियस सिचुएशन में फंस सकते हैं। क्योंकि गाइस, जस्ट सपोज अगर आप किसी दिन काफ़ी देर रात में कहीं जा रहे हैं, काफ़ी सुनसान एरिया है, एंड अगर सामने वाले को ये चीज़ पता है एंड उसने हाथ दिया, आपने कार स्लो की एंड अगर उसने ये कैप खींच दिया, फिर तो आपकी कार स्टार्ट होने से रही, फिर बड़े ही आराम से आपके साथ लूटपाट की जा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है। एंड रिसेंटली अभी मुझे सुनने में आया था कि मारुति सुजुकी ने जो इसका प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट पे डाल दिया, अभी डिज़ायर CNG बिल्ट नहीं हो रही हैं, एंड हो सकता है कि मारुति को समझ में आ चुका हो और वो इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हों। बाकी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप ये चेक कर लें कि जो कार आपको मिलने वाली है उसमें ये इशू तो नहीं है। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, इससे बेटर ऑप्शन टैगोर CNG है। एंड अगर आपको टैगोर नहीं भी पसंद आ रही है तो देन आप ऑरा के ऊपर चले जाइए, वो भी स्टिल इससे बढ़िया ऑप्शन है। बाकी मेरा काम था आपको सारे ही नेगेटिव पॉइंट्स बताना। तो आई होप अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।